गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी वीडियो। अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग हमारा वॉल्यूम थर्ड का चैप्टर 4 रेशियो एनालिसिस कर रहे थे, जिसके अंदर अब तक हम लोग हमारी 2 रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज योर मेन 2 रेशियोज। फर्स्ट इज योर लिक्विडिटी रेशियो, जिसके अंदर हमने उसकी 2 रेशियोज पढ़ी थी। सेकेंड इज योर सॉल्वेंसी रेशियो, जिसके अंदर हमने 4 रेशियोज, यानी कि मैं ओवरऑल रेशियोज की अगर बात करूँ 15 में से हम 6 रेशियोज कर चुके हैं, बट मैं मेन रेशियोज की बात करूँ तो हम 2 रेशियो कम्प्लीट कर चुके हैं। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारी क्लास थर्ड रेशियो, मेन थर्ड रेशियो उठाई है, दैट इज योर एक्टिविटी रेशियो, जिसके अगेंस्ट हम लोगों को हमारे 4 रेशियोज जिसके अंदर हमें पढ़ने हैं, जिसमें से मैंने आज आपकी पहली रेशियो उठाई है, दैट इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है, पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको थ्योरी बताऊंगी। अगर ये ज्यादा आ जाए तो क्या होता है, कम आ जाए तो उसका मतलब क्या है, पहले हम ये सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करेंगे। आइए क्लास, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो और तीसरा नाम है एफिशिएंसी रेशियो। देखो अब इसके ना 3 नाम है क्लास। पहला जैसे हम लोग पढ़कर आए थे लिक्विड रेशियो का, लिक्विड रेशियो था उसका नाम, क्विक रेशियो था उसका नाम, और एसिड टेस्ट रेशियो था, उसके भी 3 नाम थे। उसी तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के भी 3 नाम है, पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा एक्टिविटी रेशियो, तीसरा एफिशिएंसी रेशियो। एग्जाम में वो किसी भी नाम से आ सकता है, तो तीनों रेशियो के नाम आपको पता होने जरूरी है। इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, इसके अंदर हम लोग किन 2 चीजों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेके अपना आंसर निकालते हैं, हम लोग इसे चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग COGS भी बोलते हैं, याद करिए COGS याद है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरिड ड्यूरिंग दैट पीरियड। यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो तो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम COGS भी बोलते हैं, और डिनोमिनेटर होता है हमारा एवरेज इन्वेंट्री। अभी निकलते कैसे हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलेंगे तो ITR भी बोलते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, लेकिन दोबारा बोल रही हूँ आप लोगों को, किसी को भी कहीं पे भी कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है किसी भी रेशियो की। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज योर COGS डिवाइडेड बाय में एवरेज इन्वेंट्री, और इसका आंसर हमेशा टाइम्स में निकलता है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, रेशियो में आंसर निकालते थे 3:2, 1:2, ये आंसर निकलता था, लेकिन इस बार इन्वेंट्री में रेशियो में ना निकल के, प्योर रेशियो में ना निकल के आपका आंसर टाइम्स में निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ऊपर 10 लाख लिखा है और नीचे 5 लाख, तो ये काट के 2 आ गया, तो हम लोग प्योर रेशियो में 2:1 लिखते हैं, लेकिन इस रेशियो में हम लोग लिखेंगे 2 times, क्या लिखेंगे 2 times, उतने टाइम्स ज्यादा। क्लियर है, हम लोग इस बार रेशियो प्योर रेशियो नहीं दिखाएंगे। आगे बढ़ती हूँ, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है क्लास, वो निकलता कैसे है, उसके कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो सकते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS जिसे कहा जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स, COGS कैसे निकलेगा, कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई आपकी, आपको अगर अपने किसी सामान की कॉस्ट निकालनी है कि भाई मेरा ये पेन है इसकी मेरी लागत कितनी लगी, कॉस्ट कितनी हुई है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सेल कितनी है मेरे इसकी, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जितनी मेरी नेट सेल्स हुई है उसमें से जितना मुझे प्रॉफिट हुआ है वो मैं माइनस कर दूंगी तो मेरी कॉस्ट आ गई। अब इससे इजी क्या फॉर्मूला होगा, और दूसरा अगर लॉस हुआ है तो लॉस आपका नेट सेल्स में प्लस हो जाएगा ग्रॉस लॉस, और नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। याद रखिए आपको आपके स्कूल में आपके मेन नाम से बुलाया जाता है, आपके घर के नाम से नहीं बुलाया जाता, तो नेट सेल्स तो इनका घर का नाम हो गया, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका मेन नाम हो गया, जिसके नाम से इसे हम यहाँ पे बोलेंगे यूज करेंगे। तो याद रखना जहाँ पे नेट सेल्स इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जहाँ COGS इट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। आगे बढ़ती हूँ, तीसरा फॉर्मूला, ये मैंने 2 फॉर्मूले बता दिए, तीसरा फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री, जो आपकी स्टार्टिंग में इन्वेंट्री थी उसमें प्लस कर दीजिए जितनी आपने परचेजेस करें, अगेन प्लस करिए जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट नहीं है खाली, डायरेक्ट है आपके, और माइनस कर दीजिए जितना आपके पास लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा है। इसे अपने फॉर्मूले वाली लिस्ट में एड कर लीजिएगा, वहां पे लिख लीजिएगा, और जब हम क्वेश्चन करेंगे उस लिस्ट को अपने सामने रखकर फिर क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा कैसे कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
एंटरप्राइजेस, अगर क्लास मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है, ये तो हो गई बात विदाउट मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की बात करूं तो उसके अंदर हम लोग सीओजीएस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपने कितना मटेरियल कंज्यूम्ड किया है, प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड परचेजेस क्या थे उसमें प्लस करेंगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ, इन्वेंट्रीज के अंदर जो जो चेंज आया है, अब वो चेंज किस किस का, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड का हो, तीनों का चेंजेस हम लोग प्लस कर देंगे और प्लस कर देंगे उसमें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो चार फॉर्मूले मैंने आपको सीओजीएस के बताए हैं ना, ये चारों फॉर्मूले आपको रट जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, आपको समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं चारों फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग हमारे टीएस ग्रेवाल के बैक क्वेश्चंस करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री, हमारे डिनोमिनेटर की बात करती हूँ, डिनोमिनेटर कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय में टू, दैट इज योर एवरेज इन्वेंट्री। इसका इतना सा ही एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप लोग बार बार यहाँ देख रहे थे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा था क्लास, यहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया, यहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया, ये होते क्या है ध्यान से सुनना, मे हैव बीन शोन सेपरेटली इन द नोट्स टू अकाउंट, ये हो सकता है कि आपको नोट्स टू अकाउंट में सेपरेटली शोन हो ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस और मे बी गिवन एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और हो सकता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखे हो, जरूरी नहीं है कि आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हो सकता है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अलग से दे दे, या हो सकता है कि ये आपको अपना नोट्स टू अकाउंट के अंदर डाल दे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इफ नॉट गिवन एज्यूम दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नील, और अगर गिवन नहीं है तो आपको ये मानना है कि अगर आप ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जीरो मान लेंगे आप, जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती घुसाना है कि हाँ भाई नहीं कुछ तो गिवन होगा हमें अमाउंट लिखनी है, नहीं, अगर गिवन नहीं है तो टेक इट एज अ नील कि कुछ भी नहीं है आपका, क्लियर है। आगे बढ़ती, इज इट टू एसर्टेन वेदर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन जुडिशियस और नॉट मेजर्स एफिशिएंसी इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो ये रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इससे हम लोग क्या एसर्टेन करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन जुडिशियस और नॉट मेजर एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की कई बार हम लोग एफिशिएंसी को भी इस रेशियो से मेजर करते हैं, अगर हमारी हाई रेशियो आ रही है, अगर रेशो ज्यादा है तो मोर सेल्स हो गई, इसका मतलब हमारी कुछ सेल हो रही है वो जल्दी जल्दी हो रही है, अगर हमारी बहुत ज्यादा हाई रेशो आई है तो लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब हमारा जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो बहुत ज्यादा लो है, वो हाई नहीं है, और अगर बहुत लो आ रही है आपकी रेशो, पहले हाई रेशो यानी कि ठीक है हमारी सेल्स अच्छी हो रही है, वेरी हाई रेशो, बहुत ज्यादा रेशो आ रही है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट का मार्जिन कम है, और अगर लो रेशियो इट मीन्स हम लोग डेंजर सिग्नल में, हमारी जब सेल्स अच्छी नहीं होगी तो हमारी कंपनी जो है वो बंद होने की कगार पे आ जाएगी, तो हम लोग डेंजर सिग्नल में है। इफ सीओजीएस, अब एक बहुत बड़ा नोट दे रखा है, स्टार बना लीजिएगा दो इसके ऊपर, दो स्टार के साथ इसको लिखिएगा क्या, इफ सीओजीएस नॉट अवेलेबल, अगर आपको क्वेश्चन में उसमें सीओजीएस नहीं दे रखा, इनकेस क्वेश्चन में सीओजीएस गिवन ही नहीं है, तो क्या करोगे, नेट सेल्स में भी पुट इन प्लेस ऑफ सीओजीएस, उस टाइम पे हम लोग हमारा जो नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा उसी को हम लोग सीओजीएस मान लेंगे, यानी कि हम लोग सीओजीएस की जगह पे हमारे नेट सेल्स को रख लेंगे। आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस उठाते हैं टीएस ग्रेवाल के बैक क्वेश्चंस इस रेशो के, यस क्लास, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन, इस रेशो का जो क्वेश्चन दे रखा है आपके टीएस ग्रेवाल में बैक क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 62। तो मैं 62 क्वेश्चन नंबर को पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना, फिर उसके बेसिस पे हम लोग हमारा सोल्यूशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सीओजीएस गिवन है 5 लाख, अच्छी बात है, हम लोगों को न्यूमरेटर दे ही रखा है, परचेजेस दे रखे हैं 5,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख, यू हैव टू कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओहो, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, तो सीओजीएस तो हमें गिवन है लेकिन एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें ओपनिंग चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन ही नहीं है, अब क्या करें हम लोग, तो उसके लिए सबसे पहले सीओजीएस की जगह तो हम सीओजीएस की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। अब याद करो कि सीओजीएस जिस क्वेश्चन में था, हम लोगों ने अभी हम लोग हमारे फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, एंड आई होप कि वो आपने अपने लिस्ट में लिख लिए होंगे, उसमें देखो जिसमें सीओजीएस भी गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, परचेजेस भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, मिला फॉर्मूला, तो वही वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए,
COGS is equals to opening inventory plus purchases plus direct expenses plus closing inventory. है ना ये formula? Put कर दिया. COGS हमें given है 5 lakh, opening inventory हमें given है 1 lakh, purchases हमें दे रखे हैं 5,50,000, direct expenses कुछ भी given नहीं था इसे 0, closing inventory आपको निकालनी है. क्लियर है? अब देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं इधर ले आई प्लस में हो गया, 5 लाख को मैं इधर ले आई माइनस में हो गया. 5,50,000 में अगर मैं 1 लाख प्लस कर दू 6,50,000 और 6,50,000 में से मैंने 5 लाख जो इधर लेकर आके मैंने माइनस किए थे तो मेरा आंसर आ गया 1,50,000. यानी कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई क्लास 1,50,000. अब जब मेरे पास क्लोजिंग भी आ गई, मेरे पास ओपनिंग भी है, तो मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूंगी. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग थी 1 लाख और क्लोजिंग है मेरे पास क्लास 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2. तो इन दोनों को मैंने ऐड करा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 1,25,000. इसको पुट कर दो अपने फॉर्मूले में. तो 5 लाख आपका COGS था, एवरेज इन्वेंट्री आ गया 1,25,000, पुट करा, काटो, काटने पे 4 आ गया, तो आंसर विल बी 4 times. 4:1 नहीं आएगा इस बार, 4 times आएगा. क्लियर है? आगे बढ़ती हूँ. क्वेश्चन नंबर 63. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है भाई, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री. ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 50,000, वेरी गुड. परचेजेस दे रखे हैं 3,90,000. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि इस बार आपको क्या दे रखी है, नेट सेल्स दे रखी है 6 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है क्लास 30%. अब ये 30% किसका, इसको हमेशा याद रखना, जब भी वो ग्रॉस प्रॉफिट देगा वो हमेशा RFO यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का देगा, वो कभी लिखकर नहीं देगा कि ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. ये आपके माइंड में खुद आना चाहिए कि जब भी वो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे परसेंट में देगा, इट मींस मुझे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का उतना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास यहाँ क्या थी, 6 लाख थी. भाई प्रॉफिट तो आप अपनी नेट सेल्स के ऊपर ही निकालोगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो किसी और चीज पे क्यों निकालोगे. तो 30% 6 लाख का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि आपका नेट सेल्स कितनी थी, 6 लाख थी. तो इसको मैंने काटा, काट के मेरा आंसर आ गया 1,80,000. मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया. अब मैं इजी वाला फॉर्मूला लगाऊंगी. मुझे यहाँ पे देखो COGS कहीं पे था कि वन नहीं था. COGS का मैंने सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखवाया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. माइनस ग्रॉस प्रॉफिट था, पुट कर दीजिए COGS नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. आपके पास नेट सेल्स कितनी है, 6 लाख. तो मैंने नेट सेल्स पुट कर दी, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा निकला 1,80,000, मैंने पुट कर दिया, तो मेरा क्या निकल के आ गया, COGS आ गया 4,20,000. अपने फॉर्मूले में पुट कर दो 4,20,000, न्यूमरेटर आ गया जी मेरे पास. अब मुझे चाहिए डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दो चीजें चाहिए, जिसमें से मुझे सिर्फ क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन थी 50,000, तो 50,000 से मैंने पुट कर दी. अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां से आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाओ, याद करो जो भी जिस फॉर्मूले से अभी हम लोग हमारा क्लोजिंग ऊपर यहाँ पे निकाल कर आए हैं. COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. पुट कर दीजिए, COGS 4,20,000 निकाला था, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 50,000, नेट परचेजेस आपको गिवन कितनी है 3,90,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या गिवन है, नहीं है, तो जीरो कर दीजिए और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालनी है. क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर ले आऊंगी प्लस में हो जाएगा, 4,20,000 इधर ले आऊंगी माइनस में हो जाएगा. 50,000 3,90,000 को ऐड करके 4,20,000 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 20,000. कितना आ जाएगा, 20,000. लो भाई मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, मैंने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री पुट करी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 70,000/2, मेरी आ गई एवरेज इन्वेंट्री 35,000. तो मैंने अपना एवरेज इन्वेंट्री डिनोमिनेटर पुट कर दिया अपने फॉर्मूले में, तो आ गया ना 4,20,000 भी मेरा निकल गया यहाँ से COGS, और मेरा यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री निकल गया 35,000. मैंने काटा तो मेरा आंसर आ गया 12 times. क्या आ गया, 12 times. देखिए कितना इजी है, सिर्फ फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए कि फॉर्मूले क्या है, और उसके अगर आपको फॉर्मूले पता है कि किस इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोगों को क्या फॉर्मूला लगाना है, आपके लिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है. आगे के क्वेश्चन देखते हैं. यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. ध्यान दीजिएगा, ये दो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं 66 और 68, इनके लैंग्वेज में स्पेशली ध्यान दीजिएगा, इनको क्वेश्चंस को मैंने लैंग्वेज की वजह से आपके सामने रखा है, ध्यान से सुनना.
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दे रखे हैं 4 लाख, ठीक है जी। यानी कि आपकी क्या हो गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, नेट सेल्स होती है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखे हैं 1 लाख, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है आपके पास 1,20,000, ठीक है। अब जो लाइन पढ़ने जा रही हूँ ध्यान देना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री से एक्सेस ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹40,000। यू हैव टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ध्यान से सुनना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो लाइन इंग्लिश में यहाँ लिखी गई है उसका मतलब है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है अगर उसमें से हम माइनस कर दें हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमारे ₹40,000 बनते हैं। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर हम क्लोजिंग में से माइनस कर दें ओपनिंग को तो हमारे कितने बनते हैं, ₹40,000 बनते हैं। तो अब ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ये स्टेटमेंट के ही इस क्वेश्चन के अंदर नंबर होते हैं क्योंकि इसी से आपको अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री निकलती, ओपनिंग इन्वेंट्री निकलती तभी आप अपना आंसर सही निकाल पाते। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे दे रखी है 1,20,000 माइनस ओपनिंग मुझे निकालनी है और यहाँ गया आपका 40,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ 1,20,000 में से 40 गए तो कितने बचे, 80,000। यानी कि देखो क्लोजिंग आ गई मेरे पास 1,20,000 और ओपनिंग आ गई मेरे पास 80,000। अब मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकती हूँ। अब मुझे ढूंढना है मेरा COGS। COGS के पास आपके COGS के लिए आपके पास यहाँ नेट सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर कर आए हैं क्या, COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कर दीजिए माइनस। नेट सेल्स 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, तो 4 लाख माइनस 1 लाख मेरा COGS आ गया 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्लास मेरे को ओपनिंग चाहिए थी 80,000, क्लोजिंग चाहिए 1,20,000, दोनों गिवन है। डिवाइडेड बाय में 2, 1,20,000 और 80,000, 2 लाख डिवाइडेड बाय में 2, यानी कि मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, 1 लाख। बस हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। COGS कितना है, 3 लाख, 3 लाख पुट कर दिया। एवरेज इन्वेंट्री कितना है, 1 लाख, तो कर दीजिए पुट 3 लाख अपॉन में 1 लाख, काट के कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3 टाइम्स। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज थी क्लास, इस लैंग्वेज के बेसिस पे आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिलते, देख लीजिए। अब देखिए क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, आपको नेट सेल्स डायरेक्ट गिवन थी, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, क्लोजिंग गिवन थी, सिर्फ एक ओपनिंग इन्वेंट्री निकलनी थी, वो भी लैंग्वेज सीख के। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 68 देखा है। क्वेश्चन नंबर 68 के भी लैंग्वेज को सुनना ध्यान से। 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज योर COGS गिवन था आपको। ITR यानी कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज योर 8 टाइम्स, ठीक है। इस बार हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 8 टाइम्स, ठीक है। इस बार हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। यानी कि हमें कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसने बोला ना एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। इन्वेंट्रीज एट द एंड, अब इस लाइन को ध्यान से सुनना और समझना, इन्वेंट्री एट द एंड यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इज 1.5 टाइम्स। टाइम्स याद करिए, बचपन में हम पढ़कर आते थे, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बचपन में पढ़कर आते थे हम लोग, याद करिए 7th 8th 9th क्लास के अंदर की टाइम्स जहाँ लिखा गया इट मीन्स उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो वो ये बोल रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स है किसके, इन द बिगिनिंग यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री के। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने एक्सलेट करा और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, जो एंड की इन्वेंट्री थी, वो 1.5 टाइम्स ज्यादा थी ओपनिंग से, तो ज्यादा यानी कि 1.5 एक्स ले लिया। जब ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, 1.5 एक्स हो जाएगा। लो जी हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। क्या चाहिए, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इस बार मुझे COGS डायरेक्ट गिवन था तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, बट क्लास इसने जो हमें यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री के लिए बोला है तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या करोगे, ओपनिंग क्या है एक्स है प्लस क्लोजिंग क्या है 1.5 बाय x / 2। तो यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पुट करा, COGS पुट करा। ये बात सबको पता है, मैं सिखाकर भी आई थी कि जब हम लोगों को इस तरीके से दो फ्रैक्शन आ गए, आपके दो लाइन्स आ गई फ्रैक्शन की, जब हम लोग इसे लेके जाते तो ये रिवर्ट हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा इंटू 2 बाय x + 1.5 कितना हो गया, 1 ये हो जाएगा आपका 2.5x हो जाएगा ना, 2.5x। अगर आप 1.5x में 1x माइनस प्लस करेंगे तो 2.5x आ गया मेरा, तो ये हो गया 2 बाय 2.5x आ गया ना। अब क्या करना है कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इसीलिए मैंने आपके लिए सॉल्व करके दे दिया। जब आप लोग 2.5 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। तो जो 1.25 आया ना उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शो कर दिया,
मैंने कैलकुलेशन पूरी ना करके मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शो कर दिया कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1.25, और फिर उसके बाद इसको मैंने रिवर्ट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, 2 लाख कर ही देती हूँ, डिवाइडेड बाय में 2.5x डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। अब क्या करें, इसको आप काट दीजिए, काट के जब ऊपर लेके जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2/1.25x। आगे बढ़ती हूँ, चलो अब इसको क्या करा, पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके मेरा 10x आया इज इक्वल टू 2 लाख आ गया, x की वैल्यू 2 लाख, यहाँ जाके 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा या मल्टीप्लाई है, तो 2 लाख/10, तो x आ गया, 10 से 10 कट गई, मेरा x यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई मेरी 20,000। कितनी आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री, 20,000 आ गई। जब x मेरी 20,000 आ गई तो क्लोजिंग क्या था, 1.5 × x था, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में 1.5 × x की वैल्यू पुट कर दो 20,000, तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 30,000। समझ में आ गया, तो ऐसे निकलेगा आपका क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे मेन आपको यही चीज समझनी थी कि आपका किस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व होगा, किस तरीके से आप लोग अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का रिलेशन यहाँ पे दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 69। अब देखो 69 में उसने दो क्वेश्चन एक साथ डाल दिए, क्या, एक तो आपको कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और दूसरा क्लास उसने ये बोल दिया दैट स्टेट गिवन रीजन, जो हम रीजन वाले क्वेश्चंस करते हैं कि हमारी रेशियो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या नो चेंज हो रहा है, तो दोनों ही क्वेश्चंस उसने एक क्वेश्चन में डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। पहले हम लोग हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेजेस दे रखे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूंगी मेरी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग से, ओपनिंग दे रखी है 40,000 और क्लोजिंग दे रखी है 1,20,000, 40 और 1,20,000 कितना हो गया, 1,60,000 बाय 2, यानी कि मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, 80,000। जहां मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में मैंने लिख दिया 80,000। अब बच्चा सीओजीएस, सीओजीएस का फॉर्मूला याद करिए क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग में वो कितनी दे रखी है, 40,000 दे रखी है, ठीक है जी। परचेजेस कितने दे रखी है मुझे क्लास, 3,20,000 डाल दिए, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं था, बस 0, और क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे दे रखी थी 1,20,000। तो इन सबको मैंने 40,000 और 3,20,000 को ऐड करा, माइनस कर दिया 1,20,000, मेरा आंसर आ गया 2,40,000। तो 2,40,000 मैंने सीओजीएस की जगह पे लिख दिया। अब सीओजीएस अपॉन में आपका एवरेज इन्वेंट्री मैं काटूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा, 3 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स। अब मैं पढ़ती मेरे रीजन वाले क्वेश्चन की तरफ, रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज डिक्रीज एंड नो चेंज। इस बार उसने पता है आपको रेशो क्यों निकाल के दी है, क्योंकि उसने नीचे जो है ना जो आपके ट्रांजेक्शन है उनमें भी अमाउंट दी है, कि आप उन अमाउंट को डाल के देखिए और चेक करके बताइए। मैं यहाँ पे आपको एक करके बताऊंगी, बाकी के चेक आप खुद करेंगे कि वो किस तरीके से हुआ, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है कि कैसे हमें करना है। देखो सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000, अब सेल करिए गुड्स की 40,000 की, जो कि थी हमारे कितने की, 32,000 की, यानी कि सेल हो गई आपकी। सबसे पहली चीज देखो, जो हमारा सीओजीएस है, हमारी सेल हो गई ना, तो 2,40,000 में मैं 40,000 ऐड कर दूंगी, 40,000 की है, वहीं पे ही हमारे पास से हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री चली गई, भाई हमारे पास से इन्वेंट्री चली गई ना, तो एवरेज इन्वेंट्री पे हमारे पे फर्क पड़ा, तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी 40,000 की कम भी हो गई, सेम अमाउंट से ही कम होगी, तो अगर मेरे 2,40,000 में 40 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 2,80,000। वहीं पे मेरे स्टॉक जो है वो कम हो गया ना 40,000 का, एवरेज स्टॉक मेरा कम हो गया, एवरेज इन्वेंट्री, तो मैंने माइनस कर दिया 40,000, तो कितना आ गया 40,000, 80 में से 40,000 का 40,000। जब मैंने 40,000 को 2,80 से काटा तो मेरी क्या आ गई रेशियो, 6 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गई, मेरी रेशियो इंक्रीज हो गई, क्यों, बिकॉज सीओजीएस विल इंक्रीज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये एक सोल्यूशन करके दिखाया है किस तरीके से हमारी जो रेशियो है उसमें फर्क पड़ता है ऊपर अमाउंट्स में चेंजेस आने से। सेकंड देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 40,000। इस बार हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में बढ़ गई है, और सिर्फ क्लोजिंग में, यानी कि हमारे सिर्फ न्यूमरेटर पे इफेक्ट पड़ा है, डिनोमिनेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज ओनली, दैट इज वाई द रेशियो विल बी डिक्रीज। जब सिर्फ हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हमारी रेशियो डिक्रीज हो जाती है, और करके देखना आपका काम है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है। आगे बढ़ती हूँ, गुड्स परचेज ₹4,80,000। अब गुड्स परचेज करें 80,000 के, क्या हुआ है आपका, जो वैल्यू है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वो इंक्रीज हो गई,
भाई आपने गुड्स परचेज करे तो आपकी इन्वेंट्री आई है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। और फिर अगेन वही सेकंड वाले पॉइंट की तरह जब आपकी डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, खाली डिनोमिनेटर, उस केस में आपकी जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट पे बढ़ती हूँ, परचेज रिटर्न ₹20,000। अब आपने परचेज रिटर्न कर दिए हैं ₹20,000 के, यानी कि गुड्स जो है वो ₹20,000 के रिटर्न कर दिए हैं जो परचेज करे थे। बिकॉज द वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री विल डिक्रीज, आए थे गुड्स, अब आपने वो वापस कर दिए तो चले गए तो क्या हो गया, आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई। जब मेरी एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई तो मेरी रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि कुछ काम आप लोग भी करिए, कुछ सोल्यूशन आप लोग भी करके दिखाइए। जैसे मैंने फर्स्ट सॉल्व करके दिखाया है उसी तरीके से आप लोग सॉल्व करके चेक करिए। नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 71। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है इस बार, जिसमें से आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 68,000, टोटल सेल्स दे रखी है 4,80,000। लेकिन उसने आगे बोल रखा है कि इस टोटल सेल्स के अंदर इंक्लूड है कैश सेल्स 1,20,000 की। जबकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में। अभी क्यों बताऊं, टोटल परचेजेस कितने दे रखे हैं आपको, 3,60,000 दे रखे हैं। इसके अंदर इंक्लूड है क्रेडिट परचेज। अब ये तो फंस गए आप लोग, क्या करेंगे। ऊपर मैम सेल्स में उन्होंने कैश सेल्स इंक्लूड कर दी और नीचे जो परचेजेस है उसमें आपकी क्रेडिट परचेजेस इंक्लूड कर दिए। अब क्या करें हम, तो कोई बात नहीं, आइए। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹25% ऑन कॉस्ट। साथ में ये भी बोल दिया कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, क्या 25% है कॉस्ट के ऊपर। यहाँ कॉस्ट का मतलब क्या है, COGS। यहाँ कॉस्ट का मतलब क्या है, COGS। तो इसका मतलब हमें COGS को X लेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 25% COGS, और हम लोग COGS को लेट कर लेते हैं X, तो क्या होगा, COGS इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यही फॉर्मूला होता है, पुट करिए। COGS हमने X लेट कर लिया, नेट सेल्स आपको यहाँ कितनी दे रखी है, टोटल सेल्स कितनी है, 4,80,000, ठीक है भाई, 4,80,000 हो गए हमारी नेट सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑफ एक्स, क्यों, यहाँ पे 25% ऑफ कॉस्ट था और कॉस्ट का मतलब यहाँ क्या था, COGS। तो 25% किसका, एक्स का, क्योंकि COGS को हमने क्या लेट करा है, एक्स लेट करा है। मैंने एक्स को सॉल्व करा, 4,80,000 100/125 एंड COGS विल बी योर 3,84,000। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी 4,80,000 इंटू 100/125 को, तो मेरा आंसर आएगा 3,84,000, ठीक है भाई, मेरी COGS आ गई। यानी कि जो मेरा, खैर इसमें तो मुझे क्या निकालना था, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी थी, और ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, उसके लिए COGS पता होना जरूरी था। क्या फॉर्मूला था याद करो, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और मुझे चाहिए क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब मेरी COGS निकल गई 3,84,000, ठीक है भाई। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे निकालनी है, नेट परचेजेस मुझे यहाँ कितने दे रखे हैं, टोटल परचेजेस 3,60,000, ठीक है भाई, 3,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो है और क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे को कितनी दे रखी है ऊपर, 68,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने डाल दी 68,000। अब मैंने क्या करा, 3,84,000 ओपनिंग इन्वेंट्री, 3,60,000 में से 68 माइनस करा 2,92,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं इधर ले आई और 3,84,000 को मैं इधर ले गई, तो मेरा आंसर आ गया क्लास 92,000 निकल गई जी मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री। सिर्फ दो फॉर्मूले से, कौन से दो फॉर्मूले, एक आपको COGS का नंबर वन ये वाला फॉर्मूला बताना चाहिए, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा आपको COGS का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री वाला पता होना चाहिए, आपका आंसर आ गया। और आपने देखा होगा अब तक हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही दो फॉर्मूले लेके चले आए हैं। आई होप कि अब तो आपको ये याद भी हो जाने चाहिए ये फॉर्मूले, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 75। अब इस क्वेश्चन को मैंने इसकी लैंग्वेज की वजह से उठाया है, ध्यान से सुनना। 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS दे रखा है डायरेक्ट, अच्छी बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है इस बार 8, बहुत अच्छी बात है। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, अब यहाँ से ध्यान से सुनना इस लाइन को, बिगनिंग की इन्वेंट्री 2 times मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी कि जो हमारी इन्वेंट्री एंड की है, एक्सलेट कर ली हमने सबसे पहले एंड की इन्वेंट्री, तो जो इन्वेंट्री एंड की है उससे 2 गुना ज्यादा, यानी कि जितनी ये होगी उसमें प्लस करेंगे 2 गुना ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री।
जो भी हम पीछे क्वेश्चन करवा आए थे उसमें मैंने प्लस नहीं करवाया था, पता है क्यों? क्योंकि उसमें मुझे मोर वर्ड गिवन नहीं था। बैक जाके देखो अपने बुक के अंदर क्वेश्चन देखो, उसके अंदर मुझे मोर वर्ड गिवन नहीं था। यहाँ पे मोर का टाइम्स का मतलब मैंने भी बताया मल्टीप्लाई, और मोर का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो देखो बन गई आपकी इक्वेशन, तो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई? 3x आ गई। कर दो फॉर्मूले में पुट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरे को 8 गिवन थी, COGS मुझे 3 लाख गिवन था, और मैंने क्लोजिंग ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग कितनी है आपकी x है, क्लोजिंग कितनी है 3x है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, निकल जाएगा आपका आंसर। अब इसको सॉल्व करिए, 8 3 लाख एज इट इज, ये हो गया 4 लाख बाय 2 यानी कि 2x आ गया। अब अगर मैं x को सॉल्व करती हूँ यहाँ से, तो x को सॉल्व करूंगी 3 लाख बाय 16 क्योंकि 8 2 16 हो गया, तो 3 लाख बाय 16 मेरा आंसर आ गया, यानी कि x आ गया मेरा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 18,750 आ गया मेरा आंसर, जो कि आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आया है क्लास। अब मेरे को ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, तो ओपनिंग के लिए क्या करूंगी, क्या था यहाँ पे 3x था, तो 3 इंटू एक्स कितना था 18,750, तो 3 को इंटू कर दिया मैंने 18,750 से, तो मेरा आंसर आ गया 56,250, दैट इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री। देखिए कितना इजी है, सिर्फ आपको लैंग्वेज और फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम लोग हमारा इस रेशो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आप लोगों को सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है क्लास। यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 78। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सारी सेल्स की, रेवेन्यू की, आपका एवरेज इन्वेंट्री की, तो ये सारी चीजें किसमें गिवन होती है क्लास आपको? बैलेंस शीट में नहीं, किसमें गिवन होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस बार आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, यानी कि स्टेटमेंट दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, और आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से अपना इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन क्वेश्चंस के अंदर जिसके अंदर आपको रेवेन्यूज होता है, आपका एवरेज इन्वेंट्री होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे आपके स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन होगा, वहां पे उस टाइम पे बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 78 में मुझे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 में रेक्स लिमिटेड का। ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 क्या क्या दे रखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स दे रखी है 6 लाख, एक्सपेंसेस में परचेजेस दे रखे हैं, चेंज इन इन्वेंट्री दे रखी है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस दे रखा है। आपका चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर नोट नंबर 1 है और इधर मेरा एक्सपेंस के अंदर नोट नंबर 2 है, इसका मतलब मुझे नोट्स टू अकाउंट पे दे रखे होंगे पक्का, कोई बात नहीं। टोटल एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, याद करिए चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से हम इसको सीख कर आए थे, इवन हम लोग अभी चैप्टर थर्ड में भी इसको सीख कर आए हैं। लेस कर दिए मैंने मेरे टैक्सेस, तो मेरा आ गया आंसर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो था क्वेश्चन। इधर नोट्स टू अकाउंट में मुझे चेंज इन इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड के अंदर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड और मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ठीक है भाई, अब मैं बढ़ती हूँ मेरे आंसर की तरफ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय में आपका एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो यहाँ पे जो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्या मुझे यहाँ पे कहीं पे गिवन है? नहीं ना, मुझे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, लेकिन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे निकालनी पड़ेगी, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सॉरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही होता है। तो आ जाइए, ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे कितनी दे रखी है 1,25,000 पुट कर दी मैंने पुट, परचेजेस मुझे यहाँ कितने दे रखे हैं 3 लाख कर दिए मैंने पुट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं लिखा आप लोग कहोगे, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके अदर एक्सपेंसेस के अंदर होते हैं, और यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस जो रहा है वो सिर्फ कैरेज इनवर्ड हो रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आता। तो कैरेज इनवर्ड जो हो गया आपका क्या हो गया यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, एड कर दिया माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है मुझे 75,000, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया माइनस 75,000, इसको सॉल्व करिए 1,25,000 प्लस 3 लाख प्लस 15,000 माइनस 75,000 आपका आंसर आ जाएगा 3,65,000, यानी कि मेरी COGS आ गई, मैंने COGS मेरी फॉर्मूले में पुट कर दी। अब बच्ची मेरी एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है उसने क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय में 2, तो ओपनिंग कितनी है 1,25,000 प्लस में क्लोजिंग कितनी है 75,000 डिवाइडेड बाय में 2, 1,25,000 और 75,000 कितना हो गया 2 लाख, 2 लाख बाय 2 कितना आ गई मेरी एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख, तो मैंने एवरेज इन्वेंट्री की जगह एवरेज इन्वेंट्री पुट कर दिया।
कर दीजिए हम इसको डिवाइड, 3,65,000 डिवाइडेड बाय में 1 लाख, आंसर आ गया 3.65 टाइम्स। अब बताइए क्या मुश्किल था। जैसे हम लोग आज से पहले रेशोज में बैलेंस शीट से अपने रेशोज निकाल के आए, उसी तरीके से इसमें बस फर्क इतना है कि आपको इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, और इसमें आएगा ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में आपको अपने एक्सपेंसेस थोड़ी ना डालते हैं आप, उसमें कोई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थोड़ी ना डालते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। सो क्लास, यहाँ पे आपकी ये रेशो कंप्लीट होती है इस क्लास के अंदर। इस वीडियो में मैं अभी सिर्फ हमारी एक ही रेशो उठा रही हूँ, एक्टिविटी की रेशो की, दैट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, वरना बहुत ज्यादा एक साथ हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। आप इस एक रेशो के 8 से 10 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में करे हैं उसको अच्छे से देखिए। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके TS ग्रेवाल के बैक क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करे हैं, मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मैम हमें ये क्वेश्चन करवा दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा, मैं जरूर कराऊंगी आपको वो क्वेश्चंस। एंड प्लीज क्लास लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अब जो हम एक्टिविटी रेशो की सेकेंड रेशो उठाने वाले हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, वो आप तक इजिली पहुंच सके। थैंक यू क्लास।